गुड इवनिंग। फिर से आपका स्वागत है अनअकैडमी पे। आज हम फिर जीएस के कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये वे क्वेश्चन हैं जो काफी इम्पोर्टेंट रहे पिछले 2 सालों के एग्जाम में, हर बार रिपीट हुए हैं किसी न किसी रूप में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। AIX इज द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ विच कंपनी? ये किस कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम है? बताते हूँ, एप्पल, यूनिसिस, आईबीएम, माइक्रोसॉफ्ट। जल्दी तो मेरे बच्चों, इसका आंसर है आईबीएम। अब इसका आंसर दोस्तों आईबीएम है। इसका फुल फॉर्म है एडवांस इंटरेक्टिव एक्सक्यूटिव इज द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ आईबीएम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच स्टेट हैज प्रपोज टू सेटअप द फर्स्ट ब्लॉकचेन डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया? भारत में पहला ब्लॉकचेन जिला स्थापित करने का प्रस्ताव किस राज्य ने दिया है? गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु। बताइए दोस्तों, ब्लॉकचेन जिला एस्टेब्लिश करने का सजेशन किसने दिया? मॉडर्न फैसिलिटी से जिसका मेन कॉन्सेप्ट है इंटरनेट जैसी लिंग सुविधाओं से लिंक करके डिजिटल इंडिया कॉन्सेप्ट है उसको पूरा करना है। इसका जवाब क्या है मेरे बच्चों? तो इसका जवाब है तेलंगाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सोनौली बॉर्डर इज फेमस ट्रांजिट पॉइंट ऑफ इंडिया एंड सोनौली बॉर्डर किन दो देशों के बीच का पॉइंट है? भारत और दूसरा देश कौन सा है? बताएं। सेकेंड कंट्री इज द नेपाल। सोनाली सोनाली इज लोकेटेड ऑन द इंडो नेपाल बॉर्डर एंड इट इज नोन एज द ट्रांजिट पॉइंट ऑफ इंडिया नेपाल बॉर्डर। इट इज 90 किलोमीटर फ्रॉम गोरखपुर, यूपी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ट्स ऑफ केरला इन यूनेस्को इज द लिस्ट ऑफ इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी? बताइए केरल की कौन सी कला को मानवता की सूची में रखा गया? जल्दी जल्दी बताएं। थेम कुटियम थकोर कुथु। इसका आंसर है मेरे बच्चों कुटियाटम। ये गवर्नमेंट यूनेस्को ने 2016 में इसे शामिल किया था। रिचुअल थिएटर एंड फोक डांस ड्रामा। चलिए अगला है। इट इज दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर ऑर्गन्स। जीव विज्ञान की कौन सा शाखा है जीवों के अंगों से संबंधित है? बताइए। मेथोडोलॉजी,
एनाटॉमी, ऑबिलोलॉजी, फंगस। आप चाहें तो इस क्वेश्चन को ऑप्शन से एलिमिनेट करके भी कर सकते हैं इसको आराम से। दैट इज एटोनॉमी, एनाटॉमी या एटोनॉमी, दैट इज एनाटॉमी, साइंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। अगला है, द वायलर डैम इज विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। वालियार बांध केरल के किस जिले में है? बताइए, कासरगोड, पलक्कड़, त्रिशूर, इडुक्की। आप जानते हैं कि यह डैम वालियार रिवर पर है। 1964 में इस डैम को पूरा किया गया और ये किस रिवर पर है? दैट इज पलक्कड़ रिवर पर। अगला वेटरन जर्नलिस्ट एंड टीवी एंकर करण थापर इज द ऑथर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बुक। करण थापर ने निम्नलिखित में से कौन सी बुक लिखी है? हैप्पीनेस, रेबेल सुल्तान, डेविल्स एडवोकेट, अनटोल्ड स्टोरी, व्हाई आई एम ए हिंदू। बताएं जल्दी से, कौन सी बुक इन्होंने लिखी? तो करण थापर ने मेरे बच्चों डेविल्स एडवोकेट बुक लिखी है। दो हजार नौ में न्यूज होस्ट, कई सारे अवार्ड इनको मिले। विच विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इज करुण चंद्र को इज रिलेटेड? करुण चंद्र किस खेल से संबंधित हैं? लॉन टेनिस, बैडमिंटन, टेबल टेनिस और कार रेसिंग। बताएं दोस्तों। किस खेल से संबंधित? लॉन टेनिस से, बैडमिंटन से, टेबल टेनिस से और कार रेसिंग से। अच्छा, कार रेसिंग से संबंधित है। चेन्नई से है ये। ओटमुथलुल इज अ पॉपुलर डांस ऑफ विच स्टेट? उत्तम थुलल किस राज्य का पारंपरिक नृत्य? कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु। जल्दी 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 जल्दी, नाम से क्लियर है मेरे बच्चों? इधर डांस ऑफ केरला। दिस डांस फॉर्म वाज ओरिजिनेटेड इन द 18th सेंचुरी एंड बिकम द पॉपुलर डांस ऑफ केरला। इट इज सेड दैट द फेमस मलयालम पोएट कलाकृति कंचन नाम्बियार क्रिएटेड दिस डांस फ्रॉम। इज द ग्रुप डांस परफॉर्म वेयरिंग द मेकअप एंड वाइब्रेंट कॉस्ट्यूम्स। फुटबॉल। बताइए सीजर कप किस खेल से संबंधित है? बच्चों सीजर कप किस से संबंधित है? इट इज रिलेटेड विथ फुटबॉल। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IMPS? IMPS का फुल फॉर्म इंटर बैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम से ये होता है। और त्वरित रूप से हम इसमें पैसे को ट्रांसफर करने में सक्षम होते हैं। चलिए अगला है, व्हाट इज द हाइट ऑफ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दैट इज लोकेटेड इन गुजरात? गुजरात में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? बताइए। आप जानते हैं कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल की मूर्ति है, गुजरात में बनाई गई है। कितना? 182 मीटर।
आप जानते हैं कि विश्व की सबसे ऊंची मूर्तियों में से एक मूर्ति है, कितना मीटर ऊंचा है ये? ये मेरे बच्चों 182 मीटर। विच इज द कोल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया, भारत में सबसे ठंडा स्थान कौन सा है बताइए, भारत में सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? अमरनाथ, द्रास, लेह, श्रीनगर। संजय बफरिंग की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है मैं समझ रहा हूँ इंटरनेट की वजह से, बाकी मेरे बैकएंड से नहीं होगा। सबसे ठंडा प्लेस कौन सा मेरे बच्चों? द्रास। कहाँ पर है ये? कश्मीर में है। इंडिया ऑफन कॉल्ड द गेटवे ऑफ द लद्दाख, द्रास इज द पार्ट ऑफ द कारगिल तहसील एंड ड्यूरिंग द हाइट विंटर टेम्परेचर गोज डाउन -23 डिग्री सेल्सियस। विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द टर्म बैटरी टू डिस्क्राइब द लिंक कैपेसिटर, बैटरी सब किसने निर्मित किया जिस ताकि कैपेसिटर के साथ लिंक किया जा सके बताइए, बेंजामिन फ्रैंकलिन, लुईगी गलवानी, जॉन फ्रेडरिक डेनियल, लुइस उरी। जल्दी जल्दी जल्दी, नहीं डेनियल ने तो बैटरी से रिलेटेड थियरीज दी है, लेकिन डेनियल बैटरी वर्ड नहीं दिए, बैटरी वर्ड किसने दिया? तो वेस्टर्न साइंटिस्ट फर्स्ट डिस्कवर द 17 ऑफ द साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन क्वाइन द टर्म बैटरी एंड डिस्क्राइब द वे ऑफ रॉ कैपेसिटर डिसेम्बल्ड, इसीलिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं। फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी बताओ, ये अच्छा क्वेश्चन है। पॉलिटिकल इकोनॉमी नामक बुक किसने लिखी है? मिल्टन फ्रीडमैन, जॉन स्टुअर्ट मिल, जोसेफ सर्पेंटर, डेविड रिकार्डो। मित्तल आयुषी बच्चे वेलकम है आपका, तुम आ गई, अब चलो तुम सही जवाब दो, सादंगी भी हैं, जल्दी बताएं। चलें आप सबका जवाब सही है, जॉन स्टुअर्ट मिल्स, गुड। इट वाज पब्लिश्ड इन 1848 एंड वाज रिपब्लिश्ड विद द चेंज एंड अपडेट इन द 7 टाइम्स मिल्स लाइफ टाइम, गुड। चारों बच्चों का जवाब सही है आपका। द एंजाइम लाइपेज इज प्रोड्यूस्ड बाई विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी बताइए, लाइपेज शरीर के किस अंग के द्वारा निर्मित होता है? आप जानते हैं एंजाइम हमारे बॉडी के डिफरेंट एक्टिविटीज में हेल्प करते हैं, तो क्वेश्चन है कि लाइपेज एंजाइम कौन बनाता है? चले हर्ष कुमावत कह रहे पैनक्रियाज, हर्ष के अलावा किसी का और का जवाब? चलें हर्ष का जवाब लॉक कर देते हैं और यही सही जवाब है। द पेनक्रियाज इज अ पिस्टल शेप्ड ऑर्गन प्रोड्यूस द एंजाइम लेमेज लाइपेज एंड प्रोटेज एंड रिलीज देम इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन व्हेन नीडेड। ओके, द एंजाइम आर नीडेड टू फुली डाइजेस्ट फूड मॉलिक्यूल्स, सो दे आर स्मॉल इनफ टू डिफ्यूज इनटू द ब्लड स्ट्रीम्स। हु इज द राइटर ऑफ गुलामगिरी, ये तो आप सबको पता होना चाहिए, गुलामगिरी बुक किसने लिखी है बताओ? अब आपको क्लू दे देते, इन्होंने सत्य शोधक समाज भी बनाया था।
चलो सबका जवाब चाहिए, ज्योतिराव फुले। गुड। हु वॉज द फाउंडर ऑफ फर्स्ट सर्च इंजन कॉल्ड आर्चरी? पहला सर्च इंजन जो बना है वो किसने बनाया था? क्या समय क्वेश्चन एबीसी के किस नाम से था? बताओ जल्दी 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 जल्दी। चलो एक भी सही जवाब नहीं है। दिस इज द एलन बोल्टेज। एक जवाब शायद सही आ गया, सिद्ध ने दिया है। गुड। द फर्स्ट सर्च इंजन क्रिएटेड बाय आर्थिन मेटेन 1990 बाय एलन इंटेज, स्टूडेंट ऑफ यूनिवर्सिटी इन द मॉन्ट्रियल। ओरिजिनल नेम वॉज द आर्चीव्स बट इट वॉज शॉर्टेड द आर्ची। कोई बात नहीं मिट्टू, बताइए 1970 युद्ध के दौरान भारत का डिफेंस मिनिस्टर कौन था? वो वॉज द डिफेंस मिनिस्टर इन वार 1971। 1971 के युद्ध के समय भारत का रक्षा मंत्री कौन था? अभी हम क्लू देते हैं, इनकी पुत्री थी फर्स्ट लोकसभा स्पीकर, फर्स्ट लोकसभा फीमेल स्पीकर, पहली लोकसभा महिला अध्यक्ष। अच्छा सादंगी तुम्हारा देख नहीं पाया था मैं। चलो मैं इनका नाम भी बता दे रहा हूँ, मिसेज मीरा कुमार। नहीं, दैट इज बाबू जगजीवन राम। इनकी बेटी थी मिसेज मीरा कुमार, अभी जो पहली महिला स्पीकर बनी। छत्तीसगढ़ डज नॉट शेयर द बाउंड्री विथ, छत्तीसगढ़ की सीमा किस राज्य के साथ नहीं मिलती है? देखो छत्तीसगढ़ किससे किससे मिलता है, यूपी, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, एमपी। यूपी, तेलंगाना, महाराष्ट्र, एमपी और उड़ीसा। एमपी है, तेलंगाना है, यूपी है, कौन सा नहीं है? वेस्ट बंगाल नहीं। चलें कुछ। वेन वॉज द फर्स्ट मैच ऑफ आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 वॉज प्लेड? मुश्किल क्वेश्चन है, बाकी यदि क्रिकेट की नॉलेज है तो आप बता सकते हैं। देखो मेरे क्वेश्चन के कलेक्शन ऐसे होंगे कि आपको मजा आएगा, मतलब इनको आपको उन क्वेश्चंस के लिए आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, एक भी क्वेश्चन फालतू नहीं होगा, मतलब मैं अपना टैलेंट दिखाने के लिए आपको क्वेश्चन लेके नहीं आऊंगा। दिव्यांश सिंह रॉय सर, सीजीएल 2020 में आएगा सर, इसी उम्मीद से तो पढ़ा रहे हैं कि आज है। बताओ कितने तारीख को ये हुआ था मेरे बच्चों? 13 मई 2019। वॉज द फर्स्ट सैयद डूरर, पहला सैयद शासक कौन था? अब जानते हैं कि जब तुगलक डायनेस्टी खत्म हुई 1322-1414 और सैयद डायनेस्टी 1414 से चली है, किसने सैयद वंश स्थापित किया ये भी बता देंगे तब भी चल जाएगा 1414 में। बताइए शिक्षित हर्ष कुमार, उदय कुमार, सादंगी, मित्तल, ऑल आर राइट, दैट इज केतन
खिज्र खान। गुड। हु वॉज द कैप्टन ऑफ इंडियन वुमेन्स कबड्डी टीम, वन सिल्वर इन 2018 एशियन गेम। 2018 में एशियाई खेलों में रजत जीतने वाले भारतीय महिला कबड्डी टीम की कप्तान कौन थी? ये आता है तो ठीक है, नहीं आता तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये पुराना क्वेश्चन हो गया। जल्दी, मनप्रीत कौर, रितु नेगी, शिलानी चालनी पाठक, पायल चौधरी। दैट वॉज पायल चौधरी। एक मेरे एक भी बच्चे का ठीक नहीं है, कोई बात नहीं, पुराना था। विच स्टेट इज नॉट फॉलोइंग द, अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट शेयर द लॉन्गेस्ट बाउंड्री विद चाइना। ओके, किस राज्य की सबसे लंबी सीमा मिलती है चीन से? अब देखें, जम्मू कश्मीर की जो सीमा है वो मैच करती है 1954 किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश की सीमा मिलती है 1080 किलोमीटर, उत्तराखंड का मिलता है 463 किलोमीटर, ऑप्शन के हिसाब से सबसे लंबा कौन सा हो जाएगा मेरे बच्चों? सिक्किम तो है ही, छोटा सा तो होगा ही नहीं। अरुणाचल प्रदेश कितना किलोमीटर? 1080 किलोमीटर। गुड। विच फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टी वाज नॉट द एलॉय ऑफ बीजेपी लेड एनडीए? कौन सा एनडीए का सदस्य नहीं था 2019 के चुनाव में, बताओ? शिरोमणि अकाली दल, असम गण परिषद, एआईडीएमके, डीएमके। बताओ, बल्कि ये है डीएमके। अभी एक मूवी आई थी नरेंद्र मोदी पर, हु इज द डायरेक्टर ऑफ मूवी पीएम नरेंद्र मोदी, बताइए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नहीं, एआईडीएमके नहीं, मैं द भारतीय जनता पार्टी एंड इट्स स्टार कंपेनर विद नरेंद्र मोदी रिसीव्ड अ स्वीपिंग मैंडेट विद लोकसभा इलेक्शन, और इसका आंसर हमें दिया जा रहा है डीएमके। एडीएमके तो शायद है इसमें, बताओ इसमें विवेक ओबेराय मोदी जी का रोल किए थे, इस मूवी का डायरेक्टर कौन है? सभी लोग गलत दे रहे हैं, एक बच्चे ने सही दिया है, भूषण धूमल ने, उमंग कुमार। गुड। थर्टी फर्स्ट मई वर्ल्ड नो टोबैको टोबैको डे, विच स्टेट बैन द सिगरेट? किस राज्य ने अपने वहां सिगरेट के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया? असम, राजस्थान, यूपी, गुजरात। जल्दी जल्दी जल्दी, असम ने, असम तो बहुत पहले टोबैको को बैन करने वाले स्टेट थे, 31 मई को सिगरेट को बैन करने वाले स्टेट थे।
ये हो जाएगा मेरे बच्चों राजस्थान। द ज्वाइंट प्रोसेस ऑफ वेपराइजेशन एंड कंडेंसेशन इज कॉल्ड, बताइए। वेपराइजेशन और कंडेंसेशन के ज्वाइंट प्रोसेस को क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन और संघनन की। जल्दी जल्दी जल्दी, दिस इज नोन एज डिस्टिलेशन। आश्वन, यस। चलो एक बच्चे का तो सही हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल हैज वन और नेम गैलेना, किस धातु का अयस्क गैलेना होता है? ये तो आप लोगों को बता देना चाहिए, एचएससी ने कई बार पूछा है। निकल, कॉपर, आयरन, लेड। उदय, शिक्षित, दोनों बच्चों का जवाब सही है और ये है लेड। द भूपेन हजारिका केतु ऑल्सो कॉल्ड डोलासम टू, भूपेन हजारिका सेतु असम और किसको जोड़ता है? सिक्किम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश। जल्दी बताएं। इट इज कनेक्ट टू असम एंड वेस्ट बंगाल। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इनने भूषण धूमल का सही था आंसर, दैट इज अरुणाचल प्रदेश। बल्कि सबका ही सही था, सूरज, उदय, शिक्षित, सबका था, दैट इज अरुणाचल प्रदेश। भूषण का शेट टू इंडिया कनेक्ट नॉर्थ ईस्ट असम एंड अरुणाचल प्रदेश। चलें गुड। पंचवटी अ की पार्ट ऑफ वाल्मीकि रामायण इज लोकेटेड इन विच स्टेट, पंचवटी भारत के किस राज्य में स्थित है? आप जानते हैं पंचवटी फेमस है वाल्मीकि रामायण में। बताओ किस राज्य में? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड। चले आयुषी मित्तल बच्चे, तेरा जवाब सही है यहाँ पर, ये है महाराष्ट्र। द इंटायर अरिना आर्यन कांड ऑफ रामायण इज द पंचवटी, सेट इन द पंचवटी, और कहाँ था? महाराष्ट्र में। ये पुराना क्वेश्चन। रानी की वाव यूनेस्को हेरिटेज में शामिल किया गया, ये कहाँ पर? मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, यूपी। अभी देखा होगा ये हमारे नोटों पे भी आ गया है, किस राज्य में स्थित है? ड्यूरिंग द पासिस ऑफ रॉयल टाइटल्स 1876 का ऑफिस ऑफ ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर वाज ऑक्यूपाइड बाई, 1876 के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री के रूप में कौन था? बफरिंग की प्रॉब्लम है, नेटवर्क बहुत आजकल प्रॉब्लम में है। बताइए, विलियम एडवर्ड ग्लैडस्टोन, ऑथर बालफोर, जॉन रसेल, बेंजामिन डिजराइल। जल्दी यूट्यूब पे लोड बहुत चल रहा है आजकल। बेंजामिन
इजराइली हैं इसके पीएम, अज्यूम बाय द 1871 टू द इंक्रेजमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन इजराइली। अभी देखे होंगे जीएसटी टैक्स आ गया, तो जीएसटी इन आया है, तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी आई एन बताइए। गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, या गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंफॉर्मेशन नंबर, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेशन इनकम नंबर, सभी लोग कह रहे बी, फुल फॉर्म इज द आइडेंटिफिकेशन नंबर, और आप सबका जवाब सही है, गुड्स एंड सर्विस आइडेंटिफिकेशन नंबर। एक बच्चे ने गलत किया है सूरज ने, बाकी सबका सही है। पान सिंह तोमर मूवी आपने देखी भी होगी, तो उसी से आप क्लू लगा करके बताना है वो तो किस खेल से संबंधित थे। हॉकी, स्विमिंग, शॉट पुट, स्टीपल चेस बताइए। मूवी में इसका जिक्र किया भी गया। इसका सही जवाब है मेरे बच्चों स्टीपल चेज, बीच में जो बाधा, हिंदी में बाधा दौड़ कहते हैं, जम करके जाना होता है। मूवी नहीं देखी आप लोगों ने, हॉकी कह रहे हैं। इन विच ईयर गूगल इनकॉर्पोरेटेड एज अ प्राइवेट कंपनी, गूगल को किस वर्ष एक निजी कंपनी के रूप में दर्जा दिया गया, गूगल किस वर्ष रजिस्टर्ड हुआ बताइए। 2000, 2005, 2002, 1998। सबका आज गलत जवाब जा रहा है, एक भी सही नहीं है। इसका सही जवाब है मेरे बच्चों 1998। September 4, 1998। ज्योति बंसल का जवाब सही है बस अभी तक। इन मई 2019 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव न्यू स्कीम विथ एश्योर मिनिमम मंथली पेंशन टू ऑल शॉपकीपर्स, रिटेल ट्रेडर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 60 ईयर, हाउ मच इज द पेंशन अमाउंट। मई 2019 में भारत सरकार ने 60 साल की आयु प्राप्त करने वाले सभी दुकानदारों और खुदरा व्यापारियों और स्वनियोजित व्यक्तियों को न्यूनतम मासिक पेंशन का आश्वासन दिया है। कितना है न्यूनतम मासिक पेंशन बताइए। 5000, 10000, 3000, 7000। यहाँ शिक्षित, उदय, सादंगी और ज्योति सबके जवाब सही है, दैट इज द 3000। गुड। इसे द फॉलोइंग टर्म्स रेफर्स एज अ रनिंग डाउन और पेमेंट ऑफ अ लोन इंस्टॉलमेंट, कौन सा सब किस्तों में ऋण के भुगतान या कमी के भुगतान को संदर्भित करता है बताइए। क्या आपका जो लोन है वो इंस्टॉलमेंट में आप पे करेंगे, इसके लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाएगा। क्रेडिट क्रिएशन तो आप जानते हैं, डिस्काउंट कैश, डिस्काउंटेड कैश फ्लो कुछ कम रेट पे देना, बैक नहीं, क्रेडिट क्रिएशन कैसे हो जाए, क्रेडिट क्रिएशन मतलब क्रिएशन ऑफ मनी जो आरबीआई भी कर रही है फ्लो बढ़ाना। सिक्स का जवाब सही है, दैट इज द पेंशन परिशोधन कहते हैं।
ऑक्शन और प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअली राइटिंग एंड इनिशियल कॉस्ट ऑफ एसेट। पीछे तो फॉलोइंग आर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, लिखित में से कौन सी सबसे ऊंची विद्युत चुंबकीय तरंग है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स, गामा रेज, रेडियो वेव्स, अल्ट्रा वायलेट रेज, माइक्रोवेव्स, बताइए। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। चलो, दो लोगों का जवाब सही आ गया यहाँ पर, मित्तल और शिक्षित का और पुजे का भी। इसका मेरे बच्चों क्या आंसर हो जाएगा? दैट इज गामा रेज। हाईएस्ट एनर्जी लेवल है और वेवलेंथ शॉर्ट होने की वजह से फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होगी इसकी। अब हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सेपरेट्स नेपाल फ्रॉम भूटान, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल को भूटान से अलग करता है? नेपाल और भूटान के बीच में कौन सा राज्य पड़ेगा? तो ये दो हमारे नेबर कंट्री हैं, इन दोनों के बीच में कौन सा स्टेट बाउंड्री के रूप में कार्य करेगा? ऑप्शन है बिहार, सिक्किम। थोड़ा सा भी मैप का नॉलेज होगा आपको तो बताने की स्थिति में होंगे। जो नेपाल और भूटान को सेपरेट करते होंगे, जल्दी 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 चले। सिक्किम, हम जानते होंगे सिक्किम देश का 22nd स्टेट बना था 1975 में 36 अमेंडमेंट करके। और अभी पॉपुलेशन में सबसे कम में भी चल रहे है। पॉपुलेशन में द रीजन ऑफ कंप्यूटर मेमोरी वेयर फ्रीक्वेंसी एक्चुअली डाटा कैन बी स्टोर्ड फॉर रैपिड एक्सेस इज कॉल्ड, बताइए। जहाँ डाटा को स्टोर किया जाता है, कुकीज, प्लग इन, टोकन, कैच। सत्रह पॉपुलेशन डेंसिटी बचे अरुणाचल प्रदेश की, सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का पॉपुलेशन डेंसिटी। जल्दी बोले इसका, तो सैंडी संदीप इज द राइट, कैच, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ कमायनी, ये तो बताना चाहिए। द एपिक पोएम दैट इज द कंसीडर्ड ऑफ द ग्रेटेस्ट लिटरेरी वर्क इन हिंदी, कमायनी किसने लिखी है? ऑप्शन से भी कर देंगे आप। नहीं, अभी पॉपुलेशन डेंसिटी हाईएस्ट बिहार की है। दो हजार एक की जनगणना में वेस्ट बंगाल की थी, 2011 में बिहार की है, बल्कि सबसे ज्यादा है दिल्ली की, लेकिन स्टेट वाइज बिहार 11,023 नहीं मेरे बच्चे 1,023। देखो इसको कह रहे जस प्रेमचंद, हमें प्रेमचंद कैसे बोल सकते हैं? ये है मेरे बच्चों जयशंकर प्रसाद। व्हाट वाज द मदर नेम ऑफ महात्मा गांधी, गांधी जी के माता जी का नाम क्या था?
मतलब बोनस क्वेश्चन मान लीजिए। हाँ पुतली भाई, हीरा भाई, कमला भाई, कस्तूरबा भाई, जल्दी। गांधी जी की माता जी का नाम? ये तो आप सबको पता होगा, पुतली भाई, और पत्नी का नाम क्या था उनके? कस्तूरबा भाई, कस्तूरबा उनकी पत्नी थी आयुष, इसीलिए तो दोनों ऑप्शन दिया गया है, ज्योति भी कह रही कस्तूरबा। कमाल, वेयर इज द हेड ऑफिस ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया? बैंक ऑफ इंडिया का, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? जल्दी, कोलकाता भी मेरे बच्चों, बैंक ऑफ इंडिया आ जाए, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, वो तो सबका मुख्यालय होगा मुंबई में, जितने बैंक ऑफ इंडिया वाले ऑप्शन होंगे। ये क्लू हमेशा दिमाग में रखिएगा। जिस भी बैंक के आगे पीछे बैंक ऑफ इंडिया। 124th अमेंडमेंट बिल किससे रिलेटेड था बताइए? अभी हम आपको क्लू देते हैं, ये 103rd अमेंडमेंट एक्ट हो चुका है। जी बताओ, मैंने कहा ये पहले 124वां बिल था, अब 133रा संशोधन अधिनियम हो गया, किससे रिलेटेड? ट्रिपल तलाक तो कॉन्स्टिट्यूशन में था ही नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा, एयर इंडिया था ही नहीं, ये भी नहीं होगा, इन दोनों में आपको कंफ्यूज होना है। और ये कौन सा है? ईडब्ल्यूएस, रिजर्वेशन फॉर 10%। जानते होंगे कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 104 अमेंडमेंट हुआ है, ये 130रा था। 104 में क्या है, हमने SC ST रिजर्वेशन को फिर नेक्स्ट 10 साल तक के लिए बढ़ा दिया, और इसी में हमने एंग्लो इंडियन के जो इनकम को, सॉरी एंग्लो इंडियन रिजर्वेशन को खत्म कर दिए। नहीं, GST 101वां था, 100वां था लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट विथ बांग्लादेश, चलो ये छोड़ दीजिए क्वेश्चन। हाँ ये बताइए, हाँ लोकसभा और विधानसभा दोनों के लिए फिनिश हो गया ऐसे। कांग्रेस पार्टी ने अपना लीडर किसे चुना है 2019 के चुनाव के बाद? सोच के होते, राहुल गांधी, शशि थरूर, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस जल्दी। मल्लिकार्जुन खड़गे तो अपोजिशन लीडर है, हम अपोजिशन लीडर नहीं पूछ रहे हैं, हमने पार्लियामेंट्री पार्टी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज द दक्षिण गंगा, यानी किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? तुंगभद्रा, गोदावरी, पेरियार, कृष्णा।
चलें, अब सबका जवाब सही है, दैट इज गोदावरी। चलिए रामविलास पासवान किस पार्टी से? आप जानते हैं कि रामविलास पासवान सरकार किसी की भी हो, मिनिस्टर ही बनते, पिछन से भी एलिमिनेट करके बता सकते हैं, थोड़ा सा भी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते होंगे तब भी। कह रहे बीएसपी। अरे बीएसपी नहीं मेरे बच्चे, बीएसपी तो मिस मायावती जी के लीडरशिप में है। एंड इवेंचुअली इन्वेंट लाइटनिंग रोड, निम्नलिखित फ्लाइंग अ काइट, प्रैक्टिसिंग ऑन अ पियानो, स्विमिंग इन अ रिवर, राइडिंग अ, बताइए। इसका आंसर है मेरे बच्चों पतंग उड़ाना। लाइटनिंग इज इलेक्ट्रिसिटी एंड इन्वेंटेड दैट द एंजॉय द एडवांटेज फ्रॉम द इनोवेशन। शशि थरूर 2019 में लोकसभा चुनाव कहाँ से लड़े थे? पहले पिल्ली, तिरुवनंतपुरम, कोईकोडु, त्रिशूर। हर साल शशि थरूर से कोई ना कोई क्वेश्चन रहता है। ये देखो एसीजीएल 18 में पूछा गया, इस बार 19 में इनके हर पेपर में बुक का पूछा गया। तो कहाँ से चुनाव लड़े थे शशि थरूर, कहाँ से लड़ते हैं चुनाव वो? तो दैट इज तिरुवनंतपुरम से। द फॉलोइंग बैंक वाज ऑथराइज टू इशू इलेक्टोरल बॉन्ड 2019 के चुनाव के दौरान? किस बैंक को आरबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने का अधिकार दिया था? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कॉरपोरेशन बैंक, बताओ। इलेक्टोरल बॉन्ड किसे? हाँ यही क्वेश्चन पूछा था बच्चे इस बार जो आपने दिया है, एरा ऑफ डार्कनेस, इसी लैंग्वेज में पूछा था कि जिसे अवार्ड मिला। एक में पूछा राइटर कौन है, एक में पूछा नाम क्या है उस बुक का। ग्रेटा थुंगर जो भी काफी चर्चा में थी, किस देश से है? एनवायरनमेंट के मैटर पे जगह जगह अभी इनको टाइम्स मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर का भी अवार्ड दिया था, तो आपको बताना किस देश की है। जर्मनी, फिनलैंड, बेल्जियम और स्वीडन। कह रहे जर्मनी। नहीं, जर्मनी नहीं मेरे बच्चों। He is from Sweden. चलिए हाउ डेयर यू का स्पीच दिया था। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस हैज एंड द सिमिलर टू ऑर्डिनरी रोटेन एग्स? सड़े हुए अंडे के गंध के समान किसका गंध होता है? हाइड्रोजन सल्फाइड, डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, क्लोरीन, अमोनिया। बताओ, ये कई बार आया हुआ क्वेश्चन। तो इट इज द हाइड्रोजन सल्फाइड। इन दिसंबर 2016 द नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन डेवलप का मोबाइल पेमेंट ऐप, तो आप लोग बता दोगे, नकुल, गांडीव, जनक, भीम। जल्दी, आप सब यूज भी करते हैं इस ऐप का ऑनलाइन पेमेंट के लिए, यूपीआई के रूप में इसका होता भी है। बहुत स्लो है क्लास। इसका आंसर क्या है मेरे बच्चों? गेम। चले,
आपने टोटल डिटेल दे दिया है, एक बार पढ़ लेंगे इसको। द नेम ऑफ एलिमेंट दैट मस्ट बी प्रेजेंट इन द कंपाउंड टू क्लासिफाई इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। किसी तत्व को कार्बनिक तत्व का दर्जा किस तत्व की उपस्थिति के कारण देता है? कार्बन, आयरन, अमोनिया, जिंक। ये तो क्वेश्चन नहीं आंसर है, बताओ। ऑर्गेनिक कंपाउंड का दर्जा किससे मिलेगा? कार्बन के प्रेजेंस से, आयरन के, अमोनिया और जिंक। तो अब जानते हैं कि इसका आंसर क्या होगा मेरे बच्चों, कार्बन। मैं जिंक कह रहा हूँ पागल। कार्बनिक नॉन नॉन ऑर्गेनिक का डिफिनेशन ही है कार्बन के प्रेजेंस से। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्विफ्ट? स्विफ्ट का फुल फॉर्म क्या है? बैंकिंग ट्रांजैक्शन किस फील्ड में बताना है, बताइए जल्दी। हाल का बच्चे आपका भी जवाब सही, सबका सही है, बस सादंगी का गलत है ये वाला। जल्दी बताइए, सोसाइटी फॉर वायरलेस इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल कम्युनिकेशन, वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल फाइनेंशियल, वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। तो इसका मेरे बच्चों आंसर है बी, ज्योति का सही है, 1973 में इस्टेब्लिश किया गया। बेलगांव किस जगह पर स्थित है? आपको पता होगा गांधी जी एकमात्र कांग्रेस सम्मेलन में शामिल हुए थे बेलगांव में, किस राज्य में है बेलगाम? तमिलनाडु, गुजरात, केरल, कर्नाटक। तो अब इसका कांग्रेस का अधिवेशन जब गांधी जी एक बार अध्यक्ष बने, उसके बाद और पहले कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे। जल्दी बताओ, इसका आंसर है मेरे बच्चों कर्नाटक। शिक्षित का सही था, गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट डज नॉट अर्न एनी इंटरेस्टेड? कौन सा बैंक अकाउंट आपको कोई भी इंटरेस्ट रेट नहीं देगा? ये तो आपको पहले भी कराया है क्वेश्चन। पेंशन अकाउंट, करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट। जल्दी बताएं। तो आप जानते हैं कि पेंशन अकाउंट में मिलेगा, सेविंग अकाउंट में भी, रेकरिंग डिपॉजिट में भी, करंट अकाउंट में नहीं मिलता। ये बिजनेस पर्पस के लिए शुरू किया था। था 1872 में लॉर्ड मायो की हत्या कर दी गई थी कहां पर? पोर्ट ब्लेयर, दीव, दिल्ली, कोलकाता। जल्दी शेयर अली अफरीदी के द्वारा। तो फेमस द्वारकाधीश टेम्पल ऑफ गुजरात इज लोकेटेड ऑन बैंक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? किस नदी पर स्थित है? नर्मदा, ताप्ती, गोमती, लुनी। जल्दी बताइए। सुनील कुमार, गुड इवनिंग मेरे बच्चे। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, गोमती। तो चलो लास्ट, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम? रैम का फुल फॉर्म क्या है? सर क्वेश्चन विजिबल नहीं हो रहे। हाँ, नेटवर्क इशू है, बस खत्म ही कर रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी जल्दी, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम? स्वाति मिश्रा, इट्स सर माय फर्स्ट क्लास। स्वाति, तो खत्म हो रहा है, बाकी वेलकम है हम सबकी तरफ से आपका। हम सब आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और ये है रैंडम एक्सेस मेमोरी। चले आज के लिए मेरे बच्चों सेशन को ही खत्म करते हैं, फिर जल्दी मिलते हैं आपसे।
थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।